दोस्तों कुछ दिन पहले अभी एक सड़क छाप कॉमेडियन को इंदौर में दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह पीटा गया। इस सड़क छाप कॉमेडियन का नाम था मुनव्वर फारूकी, जो पिछले कई महीनों से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करता था, उनका मजाक उड़ाया करता था। यानी कि भगवान राम के ऊपर, देवी सीता के ऊपर तरह तरह के गंदे और भद्दे मजाक करने का काम किया करता था, जिसके चलते इसे पकड़कर जबरदस्त कूटा गया। अब एक और सड़क छाप कॉमेडियन है जिसकी शक्ल सुअर जैसी है। अभी सुअर जैसी शक्ल वाले कॉमेडियन को लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉमेडियन है। इस सड़क छाप कॉमेडियन का नाम है डेनियल फर्नांडिस, जो खुद को बहुत बड़ा कॉमेडियन समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इस इंसान को ये लगता है कि अगर ये सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कॉमेडी करेगा तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, इसे बहुत बड़ा नाम मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये किसी दिन किसी के हत्थे चढ़ गया तो ये कॉमेडी करने के लायक भी नहीं रहेगा। इसकी पूरी वीडियो मैंने देखी, लगभग 6 मिनट के ऊपर है, जिसमें ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मजाक बनाकर आम जनता के बीच, आम जनता भी कहना बेवकूफी होगी क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस बैठी हुई है वो भी एक सड़क छाप ऑडियंस ही है, जो इस तरह के गंदे भद्दे घिनौने सुअर छाप कॉमेडियन के जोक पर, जो सड़े हुए जोक होते हैं उसके ऊपर हंसने का काम करती है। लेकिन यकीन मानो, ये जो कॉमेडी कर रहा था और वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो उस सड़ी हुई कॉमेडी पर हंसने का काम कर रहे हैं, इनकी सोच कहां तक है, कितनी है और ये किस खानदान से, किस घर से आते हैं, इनकी ये सोच उस वीडियो में आपको दिख जाएगी। और जहां तक मुझे ये लग रहा है ना कि इस इंसान के पास इतनी अकल नहीं है कि ये सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई जोक बना सके। आप उस पूरी वीडियो को देख लो, आपको एक सेकंड के लिए भी इसकी किसी भी बात के ऊपर हंसना नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर तरस आएगा कि ये किसी बॉलीवुड पीआर एजेंट द्वारा भेजा गया एक ऐसा मशीनरी है जिसे बस छोड़ दिया गया है कि जा और तू भौंकना शुरू कर दे। एक लाइन इसने अपनी कॉमेडी में ये कही कि दुनिया जो है वो कोरोना का इलाज ढूंढ रही है, कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बातें कर रही है, और हमारे देश ने पहले ही कोरोना का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है और उसका नाम है #justiceforsushant। मतलब जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये उन सभी के ऊपर तमाचा मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तमाचा इसके अपने ही ऊपर लग रहा है। यहाँ तक इसने ये भी कहा कि अगर बॉलीवुड की फिल्मों को हिट करना है तो आजकल के जो फिल्मकार है वो अपने एक्टर्स को ये बोल देते हैं कि तू एक काम कर, तुझे वायरल होना है ना तो तू रियल लाइफ में आत्महत्या कर ले और तू मर जा, और ये समझ ले कि ये तेरी आखिरी फिल्म है और तेरी जो फिल्म है जो बनेगी वो सुपर हिट हो जाएगी। और यही सुशांत सिंह राजपूत ने किया। यानी कि ये सुशांत सिंह राजपूत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी फिल्म को हिट करने के लिए आत्महत्या कर ली है। इस कॉमेडियन ने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मजाक नहीं किया है, इस कॉमेडियन ने मुंबई पुलिस, पटना पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी सभी का मजाक उड़ाया है कि किस तरह से इतनी सारी एजेंसियां लगने के बाद भी सुशांत की मौत को एक कहते हैं कि कॉमेडी का सर्कस बना चुकी है, जो उसकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही है और उसके ऊपर टीआरपी बटोरने का काम कर रही है। इसने कंगना रनौत को सीबीआई का जो है वो डायरेक्टर बता दिया है कि कंगना रनौत जो बोलेगी वही सीबीआई करने वाली है, क्योंकि कंगना रनौत बहुत बड़ी सीबीआई डायरेक्टर है। मतलब अगर इसके ऊपर इतने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये हमारे कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी हार होगी। इसमें मुंबई पुलिस की हार है, पटना पुलिस की हार है, सीबी, ईडीआई, एनसीबी सभी की हार है कि इस तरह के लोगों के ऊपर अगर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये लोग इसी तरह से हमारी कानून व्यवस्था का, पुलिस वालों का, सीबीआई का, एनसीबी का, ईडी का इसी तरह से मजाक उड़ाते ही चले जाएंगे। और ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये लोग जो गंदा खेल खेल रहे हैं, जो एक मृत इंसान के ऊपर, जिसके पीछे दुनिया ये जाने की कोशिश कर रही है कि उसकी मौत की असली वजह क्या है, और ये इंसान उसके ऊपर मजाक उड़ा रहा है। जिस इंसान ने, जिस परिवार ने अपना एक इकलौता बेटा खो दिया उसके ऊपर ये मजाक उड़ा रहा है। या तो इसने मौत देखी नहीं है, या मौत को समझा नहीं है, या इसके घर पर आज तक किसी की मौत हुई नहीं है। जिस दिन इसका इन चीजों से रूबरू होगा उस दिन से इसे अपनी असली औकात के बारे में पता चल जाएगा कि ये कॉमेडियन है या सड़क छाप इंसान है या क्या है। मैं अपनी वीडियो में बहुत कुछ नहीं बोल सकता, बहुत सारी लिमिटेशन होती है, वरना इस इंसान के बारे में जितनी भी आप गालियां दे दो, भद्दी बातें कर लो, उतना ही कम होगा। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि इस इंसान के ऊपर मुंबई पुलिस को, सीबीआई, एनसीबी, ईडी
जिस तरह से इसने सभी एजेंसियों का मजाक उड़ाया है, सुशांत की मौत का मजाक उड़ाया है, सभी का मजाक उड़ाने का काम कर रहा है और खुद को बहुत बड़ा कॉमेडियन साबित करने का काम कर रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़ा केस करना चाहिए और यहाँ तक कि जो ऑडियंस वहां पर बैठी थी उन सभी के ऊपर भी केस करना चाहिए कि वो लोग इस तरह की घटिया भद्दे घिनौनी कॉमेडी के ऊपर हंस कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें और हाँ, इसकी आईडी का पता करें और जाकर रिपोर्ट करें, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, ये जहां पर भी हो इसकी आईडी को जाकर रिपोर्ट करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी राय है कमेंट करके जरूर बोले। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।